बहुत अच्छा माहौल देख रहे हैं जी। मुझे तो कोई शक नहीं है कि जनता के मन में अभी बदलाव का वक्त आ गया है। दिल्ली में बदलाव हो गई 4 जून को। लेकिन बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं बिहार में 40, देश में 400। देखिए, सपने तो सब देख सकते हैं, देखने दीजिए हसीन सपने। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछले बार से बहुत कम गिरने वाले हैं बीजेपी, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में। और यही हम देख रहे हैं, मैं तो पूरा देश से आया हूँ। मेरा तो वोटिंग सेकंड फेज में हो चुका था केरला में, उसके बाद जो कुछ मैं देख रहा हूँ, लोग बदलाव चाहते हैं, थक गए सरकार की गलतियाँ से, कमियाँ से। सॉरी जी, सब लोग एक साथ बोलेंगे, आप बोलिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण जो है उसे 2010 से पहले रद्द करने की बात कही है। हाँ, सुना है। देखिए, इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ममता जी, आपको पता है ना, वो इसके बारे में कुछ कमेंट टिप्पणी की है, उनकी सरकार है, तो मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हम उसको स्टडी करके बताएंगे इसके बारे में। केजरीवाल के घर पुलिस जाती है, करती है, उनके माता पिता से भी। और ये तो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है हमारे सब उच्चतम अदालत ने क्या कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक नेताओं को ऐसे करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है उनका काम करने का। करने दीजिए, अगर आप 2 साल से 2.5 साल से आप अन्वेषण करते रहते हैं तो 4 के बाद कीजिए या 2 के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1 तक केजरीवाल जी को अपना प्रचार करने का स्वतंत्रता देना चाहिए। बहुत अच्छा माहौल देख रहे हैं जी। मुझे तो कोई शक नहीं है कि जनता के मन में अभी बदलाव का वक्त आ गया है। दिल्ली में बदलाव हो गई 4 को। लेकिन बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं बिहार में 40, देश में 400। देखिए, सपने तो सब देख सकते हैं, देखने दीजिए हसीन सपने। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछले बार से बहुत कम गिरने वाले हैं बीजेपी, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में। और यही हम देख रहे हैं, मैं तो पूरा देश से आया हूँ। मेरा तो वोटिंग सेकंड फेज में हो चुका था केरला में, उसके बाद जो कुछ मैं देख रहा हूँ, लोग बदलाव चाहते हैं, थक गए सरकार की गलतियाँ से, कमियाँ से। सॉरी जी, सब लोग एक साथ बोलेंगे, आप बोलिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण जो है उसे 2010 से पहले रद्द करने की बात कही है। हाँ, सुना है। देखिए, इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ममता जी, आपको पता है ना, वो इसके बारे में कुछ कमेंट टिप्पणी की है, उनकी सरकार है, तो मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हम उसको स्टडी करके बताएंगे इसके बारे में। केजरीवाल के घर पुलिस जाती है, करती है, उनके माता पिता से भी। और ये तो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है हमारे सब उच्चतम अदालत ने क्या कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक नेताओं को ऐसे करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है उनका काम करने का। करने दीजिए, अगर आप 2 साल से 2.5 साल से आप अन्वेषण करते रहते हैं तो 4 के बाद कीजिए या 2 के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1 तक केजरीवाल जी को अपना प्रचार करने का स्वतंत्रता देना चाहिए।